पैन कार्ड इस वक्त हर सर्विस क्लास या बिजनेसमैन के लिए एक बेहद ही जरूरी चीज बन चुका है। चाहे आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना हो या फिर टैक्स रिटर्न भरना हो, पैन कार्ड बहुत ही जरूरी चीज है। लेकिन कई बार पैन कार्ड में गलत जानकारी छपे होने के कारण आपको कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है और गलत जानकारी के कारण आप पर फाइन भी पड़ सकता है। क्या आपके साथ भी ऐसी परेशानी आ रही है कि आपके पैन कार्ड में आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका जेंडर या आपका डेट ऑफ बर्थ गलत फीड हो गया हो? अगर ऐसा है तो अब सवाल यह है कि इसको अपडेट यानी कि करेक्ट कैसा किया जाए। अब ये जानने के लिए मैं आपको आज बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस जिसके जरिए आप घर में बैठे ऑनलाइन अपने पैन कार्ड को अपडेट कर सकते हैं और सभी गलत जानकारियों को सही कर सकते हैं। सबसे पहले आप NSDL ऑनलाइन सर्विस वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर जाइए। आप चाहें तो कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल पर भी ये वेबसाइट खोल सकते हैं। टॉप मेन्यू में सर्विसेज टैब दिखेगा, उस पर माउस ले जाएं तो नीचे कई ऑप्शंस नजर आएंगे, इसमें पैन पर क्लिक करें। अब आपके सामने चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा रिप्रिंट ऑफ पैन कार्ड ऑप्शन दिखेगा, बस आपको इसी में जाकर अप्लाई पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन खुल चुकी है। यहाँ आपको सबमिट स्कैंड इमेजेस थ्रू ई साइन ऑन NSDL e-gov का ऑप्शन दिखेगा। इस पेज पर आपको अपने पैन से रिलेटेड सभी करेक्शंस करने होंगे और नई डिटेल्स भी यहीं भरनी होंगी। यहाँ करेक्शन के लिए आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंट एड्रेस वगैरह वगैरह अपलोड करना होगा। पूरी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट का बटन दबाएं। ध्यान रहे, सबमिट करने से पहले फॉर्म को प्रीव्यू जरूर करें ताकि कोई करेक्शन छूट गई हो तो वो कर सके। इसके बाद आप पेमेंट मोड पर पहुंच जाएंगे। अब आपको पैन कार्ड करेक्शन की सर्विस के लिए पेमेंट करना होगा। अगर आप इंडियन हैं तो आपको सिर्फ 100 रुपए लगेंगे। अगर आपका एड्रेस विदेश का है तो आपको 1020 रुपए चुकाने होंगे। आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद कॉन्टिन्यू पर जरूर क्लिक करें। अब आपको आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन करना होगा। आधार ऑथेंटिकेट होने के बाद पैन कार्ड एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। लास्ट स्टेप यानी कि अगले पेज पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी स्लिप की मदद से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकेंगे। तो इन इजी स्टेप्स को फॉलो करके आपका पैन कार्ड ऑनलाइन मेथड से हो चुका है अपडेट। अब आपके पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी यानी कि PDF फाइल 2 से 3 दिन के अंदर आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर आ जाएगी और आपके पैन कार्ड की हार्ड कॉपी यानी कि पैन कार्ड 10 से 15 दिन में आपके पते पर पहुंच जाएगा। तो है ना बेहद ही आसान, आप घर बैठे चुटकियों में अपने फोन से अपने पैन कार्ड में गलत डिटेल्स को कर सकते हैं सही, कर सकते हैं उसे अपडेट। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।